बाहर से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। मैं इसमें आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। आदि के हमारे एक यूट्यूब चैनल है जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है और बहुत ही पुराना सब्सक्राइबर है। मेरे को उनकी वीडियोस बहुत ही अच्छी लगती है और ये भी मेरी तरह माइनक्राफ्ट खेलते हैं। मेरे को उनका कंटेंट बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उनके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और साथ में बेल आइकन भी दबाया हुआ है। मैं उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको उनका चैनल पसंद आया तो आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उनके वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तो चलो अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने घर में ही हूँ अभी। तो जैसे कि आप लोगों को याद ही होगा, मान जो आप लोगों के साथ लास्ट टाइम माइनक्राफ्ट खेलते थे तो उसके अंदर मैं गया था माइन के लिए, जिसके अंदर मेरे को आयरन वगैरह मिल गया था, कॉबलस्टोन वगैरह मिल गया था। फिलहाल कॉबलस्टोन तो वैसे बड़ी आम सी चीज़ है, लेकिन सबसे खास बात तो ये है मेरे लिए कि मेरे को वहाँ गोल्ड मिल गया। गोल्ड जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन यहाँ पर ये एक बुरी बात है, मेरे को चार ही गोल्ड मिला वहाँ पर बस। फिलहाल चार गोल्ड भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। फिलहाल मैंने जो है उसे अपने चेस्ट में रखा हुआ अभी। तो ये रहा मेरा चार गोल्ड, इसे यहाँ पर मैं निकाल लिया और अपने क्राफ्टिंग टेबल में आपको जाकर दिखाता हूँ मैं क्या बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं इनसे देखता हूँ, हेलमेट नहीं बन पाएगा यार। ये देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने गोल्ड के बूट्स बना सकता हूँ उनसे, जो कि मैंने यहाँ पर बना लिया। और ऐसे करता हूँ अभी के अभी इन्हें पहन लेता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा मेरा, अगर मैं नेदर में इन्हें पहन कर जाऊँगा तो वहाँ पर कोई भी मोब मेरा दुश्मन नहीं बनाएगा। वो लोग सोचेंगे कि मैं उन्हीं की पार्टी वगैरह का हूँ, जो भी उन्हीं के एरिया का हूँ। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोगों को गोल्ड प्यारा होता है, लेकिन फिलहाल वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर एक मोब होता है जिसका नाम होता है घास। वो जो है बहुत ही बड़ा सा होता है और हवा में उड़ते रहता है, वाइट कलर का होता है। वो हमारे ऊपर गोले फेंकते हैं आग के, जो कि हमें बहुत ज़्यादा डैमेज दे जाते हैं। फिलहाल उसे कोई गोल्ड वोल्ड से बढ़ नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पर दूसरे वाले मोस्ट भी होते हैं जो कि मेरे फ्रेंडली हो जाते हैं, लेकिन वो फिलहाल मेरे को ऐसे बचाएंगे नहीं। मेरे को अपनी रक्षा जो है घास से खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल मेरे को वहाँ पर आज एक्सप्लोर करने जाना है, लेकिन मेरे को वहाँ पर अपने लिए थोड़ा बहुत आर्मर वगैरह भी ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मेरा ये पूरा पूरा आयरन जो है स्मेल्ट हो गया, जो कि आयरन इंगट बन गया है। तो इससे मैं अपने लिए बाहर में बना लेता हूँ, जो कि यहाँ पर एक हेलमेट, एक चेस्ट प्लेट, एक लेगिंग्स, क्योंकि अभी गोल्ड का तो मैं उस बनाऊंगा नहीं, क्योंकि गोल्ड के मेरे पास अभी बूट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अभी मैं जो जो मेरे पास अभी मैं उन्हें पहन लेता हूँ। ये रही लेगिंग्स और ये बचा हुआ आयरन नहीं है, तो ये यहाँ पर मैं चेस्ट प्लेट पहन ली, अपनी हेलमेट भी पहन लिया, यहाँ पर मैंने अपने लिए ले लिया है। और यहाँ पर मैं स्वॉर्ड वॉर्ड वगैरह भी ले लेता हूँ, जो भी मेरे काम का मटेरियल है। यहाँ पर एक आयरन की पिकैक्स और ले लेता हूँ, तो देखता हूँ मेरे कौन से वाले चेस्ट में स्टोर है। इस वाले चेस्ट में तो नहीं है यहाँ पर। तो ये मेरी आयरन की, ये मेरी एक नई वाली पिकैक्स जो कि स्टोन की है, और यहाँ पर मेरे पास ये स्टोन की स्वॉर्ड भी है। फिलहाल यहाँ पर जो मेरा बच्चों का आयरन है उसे मैं स्टोर करा देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं वहाँ जाने के लिए एक सीढ़ियाँ वगैरह बना लूँगा। फिलहाल सीढ़ियाँ बनाने के लिए मेरे को जो होते हैं वो चाहिए होती है स्टिक्स, जो कि हमें मिलते हैं वुडन प्लैंक से, और वुडन प्लैंक जो होता है हमें पेड़ को काट कर मिलते हैं। फिलहाल अभी बाहर बारिश हो रही है, तो अभी मैं बाहर जाऊँगा नहीं। फिलहाल नेदर पोर्टल में तो ऐसे बारिश नहीं होती, वहाँ हमेशा ऐसे रेड रेड सा वेदर ही रहता है। और फिलहाल यहाँ नीचे मैंने काफ़ी सारे टॉर्चेस लगाई हुई, इसलिए वहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं है मोब्स वगैरह का स्पॉन होने का। तो यहाँ पर चलो थोड़ा बहुत हमें वेट ही करना होगा बारिश के क्लियर हो जाने का, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही टाइम ले सकते हैं। ये एक बार देखता हूँ मैं सो सकता हूँ, मेरे ख्याल से तो अभी मैं सो सकता हूँ। हाँ रात में सो सकता हूँ, यहाँ पर अभी दिन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी मेरे को बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। एक बार देखता हूँ मेरे पास कुछ खाने पीने का है क्या सामान, यहाँ पर दिख तो नहीं रहा, यहाँ पर भी नहीं है मेरे पास कुछ खाने पीने का सामान। वैसे मैं आपको बता दूँ कि जब मैं बाहर गया था एक बार, तो वहाँ पर मैं अपने साथ बहुत सारे शीप्स ले आती, लेकिन खास बात तो ये है कि हमारे वाले जो बाहर का एरिया है उसके अंदर एक दो ब्लॉक वहाँ ऐसे लगे हुए हैं जिस पर चढ़कर बाहर के एनिमल जो होते हैं हमारे अपना एनिमल फार्म में आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल मेरे में घोड़ा आ गया अपना, लेकिन पता नहीं वो भाग गया होगा या नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से घोड़ा जो होता है भाग सकता है, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि घोड़ा जो होता है कूदने में एक्सपर्ट होता है। फिलहाल मैंने डबल डबल बाउंड्री कर रखी, तो मेरे ख्याल से भागना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी उसको कोई फ़ायदा नहीं, मारना ही पड़ेगा मुझे उसे, क्योंकि मेरे पास अभी सैडल नहीं है। सैडल एक ऐसी चीज़ है जो कि हम क्राफ्ट नहीं कर सकते, वो हमें टेंपल वगैरह में मिलती है, और टेंपल जो होते हैं हमें ज़्यादातर डिजर्ट वगैरह में मिलते हैं। लेकिन कई बार होता है कि सैडल जो होती है हमें एक ऐसी जगह पास मिल जाते हैं जहाँ पर एक मॉब स्पॉनर होता है, उसके पास एक चेस्ट रखी होती है। फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत अभी वेट कर लेता हूँ मौसम के क्लियर हो जाने का। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर वेदर जो है बहुत देर तक वेट करने के बाद क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक बार मैं आवाज़ बंद करता हूँ उसकी। तो यहाँ पर अभी मेरे को सीड्स वगैरह भी लगाने हैं ताकि वहाँ पर क्रॉप उग जाए। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो वीट पड़ा है उससे मैं अपने लिए ऐसा करता हूँ खाना बना लेता हूँ। वीट से क्या होता है हमारे पास ब्रेड बन जाती है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने देखा तो है बहुत से लोग ऐसा करते हुए, लेकिन मैंने कभी किया नहीं खुद, तो इस बात में पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ। तो क्राफ्टिंग टेबल में जाता हूँ और ये रहा यहाँ पर मेरी ब्रेड जो है बन रही है। तो यहाँ पर चलो मेरे पास देखता हूँ अभी इन 5 मिनट से इतना पेट भर पाऊंगा मैं, अपना सारा भर जाएगा या नहीं। फिलहाल इससे पेट तो काफ़ी जल्दी भर रहा है भाई, अच्छा अच्छी खासी चीज़ है भाई ये तो।
भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे तो काफ़ी जल्दी पेट भर रहा है। ऐसा होता है यहाँ पर जो मेरे पास सीड्स हैं उन्हें वहाँ पर प्लांट कर देता हूँ, जितने मेरे पास पड़े हुए हैं ये मैं मतलब है कि ये जो वीट है मेरे पास जितना भी अभी पड़ा हुआ है उन्हें जाकर मैं खिला देता हूँ अपने घोड़े वगैरह को। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक ब्लैक कलर का हॉर्स है जो मेरे यहाँ पर आ गया है, और मैंने यहाँ पर जो थी स्टेयर्स लगाई थी कॉबल स्टोन की, यहाँ पर मेरे को ज़्यादा जल्दी जाना आना था तो यहाँ पर मैं स्टेयर्स लगाई थी कॉबल स्टोन की जो कि मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आया हूँ अभी अपने सीड्स प्लांट करने के लिए, तो यहाँ पर ये मेरे सीड्स और ये रहा वीट। फिलहाल सबसे पहले मैं अपने सीड्स को प्लांट करता हूँ और फिर बाद में मैं जो अपना वीट वहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर ये गाय आ गई, यहाँ पर ये गाय, अच्छा मैंने यहाँ वीट निकालूंगा ना अपना, इसलिए यहाँ पर गाय आ गई। तो इसलिए छोड़ो, गाय के लिए मैं अलग से बनाऊंगा, इन्हें मिक्स नहीं करूंगा आपस में। और घोड़े का भी वैसे अभी मरने का ही काम है और कुछ काम ही नहीं है कि मेरे को उसे मार कर खाना चाहिए। फिर खाना तो मेरे को वीट वगैरह से भी मिल जाएगा, मैं सोच रहा हूँ घोड़े को पड़ा ही रहने दूँ भाई, ऐसे जो जिंदा है भाई क्या जा रहा है हमारा। तो चलो उसे वैसे ही रहने देता हूँ मैं। और यहाँ पर मेरी जो है 2 रोज़ फाइनली कंप्लीट हो गई, अब तीसरी रोज आ गई है। तो यहाँ पर मेरे को ये फार्म मेरा वैसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को कैसा लगता है मेरे ये फार्म कमेंट्स में जरूर बताना। तो यहाँ पर चलो मेरे यहाँ पर तीसरी लेन भी है जो फाइनली कंप्लीट हो गई है बिल्कुल अच्छे से, बस ये रहा एक लास्ट ब्लॉक जो मैंने लगा दिया यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब मेरे पास वैसे अभी 20 जो है वीट बचा हुआ है, 20 वीट नहीं मेरे ख्याल से, यहाँ पर मेरे पास जो है अभी 20 वो बचा हुआ है सीड्स वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास बचा हुआ वीट है उन्हें मैं खिलाता हूँ। और यहाँ पर एक बच्चा है इससे पहले खिलाते हैं भाई, ये बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा होएगा भाई। तो चलो सबके लिए आएगा भाई जितना खाना तुम्हें चाहिए। ओ ओ ओ भाई गलती से मानो उसे मार दिया। तो चलो भाई इतना काफ़ी है इनके लिए भाई, अभी मैं और नहीं खिला रहा इन्हें, अभी मैं सबसे पहले बाहर जा रहा हूँ अपने लिए, मेरे को ब्रेड्स वगैरह भी बनानी है जिससे मैं अपना पेट भर सकूँ। यहाँ पर क्या है भाई, ना हटाओ भाई, हटो हटो, मेरे को यार गेट नहीं खोलने दे रहे भाई, लेकिन बाहर चले जाइए। ओ ओ ओ ओ ओ भाई अबे कहाँ जा रहे हो? अरे यार एक तो इनका ये चक्कर है भाई, यार बार बार ये आ जाएंगे। चलो भाई जान दो, मेरे पास अभी भी काफ़ी सारे शीप्स हैं। तो चलो भाई ऐसे करते हैं, गाय आ रही है, गाय को भी चलो मार ही देते हैं भाई। आ जा भाई, आ जा, बेकार में ही आए जा रही है, मैंने इसे बुलाया भी नहीं, मैं उस शीप को बुलाया था, बेकार में आ गई। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने उसे मार दी, मेरे पास थोड़ा बहुत खाना आ गया। फिलहाल में कुछ ज़रूरत तो नहीं थी कि मैं जो था अपना खाना खुद क्राफ्ट करने वाला था अभी, जो कि है ब्रेड। फिलहाल यहाँ पर मेरे को कोई बात नहीं है, इसका जो रॉ मीट मिल गया उससे भी खा कर मैं अपना पेट भर लूँगा, मेरे पास ब्रेड की कमी पड़ी तो। यहाँ पर देखता हूँ मैं कितने ब्रेड बना सकता हूँ अभी, तो मैं 3 ब्रेड और बना सकता हूँ, तो मैम 4 ब्रेड जो है पूरी पूरी बना चुकी है। तो यहाँ पर देखता हूँ मैम अपने माइंड वहाँ जाता हूँ नेदर पोर्टल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी मैं अपने साथ थोड़ा बहुत खाना वाना लेकर चल जाता हूँ, ये वीट वगैरह सीड्स वगैरह जो भी बेकार का सामान है इससे यहाँ पर मैं स्टोक करा देता हूँ। और खाने पीने का सामान तो फिलहाल अपने पास होने चाहिए। और फिर मैंने अपने अपने सारा का सारा आर्मर जो है अच्छे से पहन लिया है, अपने गोल्ड के बूट्स भी निकाल लिए हैं और अपने शील्ड भी ले लिए साथ में। तो चलो मैं जाता हूँ जल्दी से नेदर पोर्टल को एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ में अपने गेट घर का बंद कर दिया मैंने। तो चलो ये रहा मेरा नेदर पोर्टल, अब मैं जाता हूँ उससे एक्सप्लोर करता हूँ। आज मैं पहली बार जाऊँगा नेदर पोर्टल में, पहली बार नहीं वैसे एक बार मैं गया था जब मैं बहुत बुरी तरह से मर गया था, लेकिन फिलहाल जब उनका दोस्त नहीं था, लेकिन अब मेरे पास जो है बूट है और वो भी गोल्ड के, तो मेरे ख्याल से वो मुझे कुछ कर तो नहीं पाएंगे, करेंगे तो फिर भाई हमें मारना ही पड़ेगा उनको। तो चलो अभी हम नेदर पोर्टल में जा रहे हैं और हमारा वर्ल्ड जो जनरेट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर चलो मैं अपने वाले वर्ल्ड में आ गया हूँ जो कि मेरा ये रहा नेदर पोर्टल। अब इसके अंदर देखता हूँ भाई लावा वगैरह हमें ना छोड़ दे। तो चलो हमें कोई लोकेशन तो इसने सही दिया लग रहा है, बस यहाँ पर वो देखता हूँ उनके पास जाकर मार वार सुन रहा है, बस इनके सामने जो है इनका गोल्ड नहीं चुराना होता मैंने सुना है। और यही है वो जगह है जहाँ पर मैं पहले भी स्पॉन हुआ था और ये लोग मेरे को बेकार में ही मारने लग गए थे। फिलहाल मैंने अभी खाना खा रहा, पेट तो पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर बस घास वगैरह ना आ जाए या फिर एक और मोब होता है जिसे कहते हैं हम, पता नहीं। यहाँ पर ये वाला स्केलेटन क्या कर रहा है भाई, वो वाइट वाला, मेरे को ये तो नहीं पता। ओ भाई घास 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 भागो 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 भागो, ये हर एक जगह आग लगाते हैं भाई फेंक फेंक कर। लेकिन यहाँ पर मुझे जो है मटेरियल्स का अच्छा सा लग रहा है भाई, यहाँ पर मेरे को जो भी अच्छा सा नया मटेरियल लगेगा मैं वो कलेक्ट कर लूँगा। फिलहाल उन वाइट वाले स्केलेटन के पास भी नहीं जाता मैं, और फिलहाल मैं आया कहाँ से था, मेरा वाला नेदर पोर्टल गया तो गया कहाँ भाई। यहाँ मेरे को याद रखने पड़ेंगे अपने घर के कोऑर्डिनेट्स भी, यहाँ पर वो रहा मेरा नेदर पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स वगैरह, चलो मैं अपने आप देख लूँगा उसको। तो यहाँ पर ये रहा, ये वाला जो होता है ऐसे कहते हैं शायद नेदर क्वार्ट्ज, मैंने ऐसा सुना है, और ये जो होता है हमारे लिए ऑब्जर्वर बनाने में काम आता है। अरे यार ये अभी भी ये घास वगैरह उसने वो देखा नहीं, चलो अच्छा हुआ। तो आप अपने यार की कैच निकालता हूँ मैं, और अब मैं उस नेदर क्वार्ट्ज को तोड़ने के लिए जान वाला हूँ। ओ भाई ये जल्दी उठ रहा भाई, आयरन की कैच से तो बहुत ज़्यादा, बस ये घास ना आ जाए। ओ भाई अरे भाई इसकी ऐसी की तैसी भाई, अब ये बेकार में पंगे लेने आ रहा है। अब रुको शील्ड का यूज़ करो भाई अपने,
एंडमान भी है भाई यहाँ तो। आ जाओ भाई अब मैं मारूँ, अपनी स्वॉर्ड निकालो भाई। चल भाई निकल। तो चलो इसे मार दिया मैंने, और यहाँ पर वही वाला मोब था जिससे मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है। और यहाँ पर अरे यार एक और घास टाग, अभी इसने जीना हराम कर दिया इस घास ने तो। फिलहाल भाई छोड़ो, अभी मैं अपने यहाँ पर निकाल लेता हूँ ये वाला भाई जैसे कलेक्टर। चलो भाई थोड़ा सा ही हुआ यहाँ, नहीं तो कॉर्च का मारा कलेक्ट। लेकिन भाई यार इस घास से बड़ा बच के रहना पड़ता है भाई, उससे डर लगता है मेरे को। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को गोल्ड जो है मिल गया, लेकिन अभी मेरे को गोल्ड इतना प्यारा नहीं है भाई। गोल्ड मेरे घर पर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है भाई, लेकिन मेरा अभी एक भी गोल्ड नहीं पड़ा हुआ। मैं सारे सारे गोल्ड जो था अपने बूट्स क्राफ्ट करने में लगा लिया था। बस यहाँ पर मेरे को जो है अपने लिए थोड़ा बहुत नया नया मटेरियल कलेक्ट कर लेना, जो कि मेरे को लगता है यहाँ पर नया है, मैंने पहली बार देखा है। तो यहाँ पर मेरे को नेदर क्वार्ट्ज़ जो है अच्छा सा लग रहा है मटेरियल से, मैं उसे यहाँ पर कलेक्ट करने आया हुआ हूँ। और यहाँ पर जितना भी मेरे को अलग सा मटेरियल लगेगा वो मैं यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर फिलहाल थोड़ा बहुत मटेरियल जो है नीचे वगैरह गिर रहा है, उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है भाई। चलो छोड़ो, हम नीचे ही कोई चीज़ नहीं उठाते भाई। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये क्या मशरूम कुछ अलग सी चीज़ थी भाई अभी। तो यहाँ पर चलो मैं देखता हूँ और क्या क्या यहाँ पर। आगे भी थोड़ा बहुत नेटवर्क क्वार्ट्ज़ है, लेकिन यहाँ पर से बढ़िया सबसे पहले भाई गोल्ड भी कलेक्ट कर लेते हैं। मैंने सुना कि आजकल भाई वैसे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिल रहा है नेदर पोर्टल में। तो वो ये रहा थोड़ा सा नेदर क्वार्ट्ज़। अरे भाई इस ब्लॉक को हटाना पड़ेगा पहले। चलो यहाँ पर ये भी मिल गया जो मेरे को बचा हुआ था। यहाँ पर ये जो मिट्टी मिट्टी सी है जो भी कहते हैं इसे, मेरे को पता नहीं वैसे। लेकिन चलो अच्छा हुआ एक तो कि मैं यहाँ पर अपने गोल्ड की बूट्स पहन कर आ गया था, जिससे यहाँ पर उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा रही ये लोग। और ये ऊपर ये ब्लैक ब्लैक सा गिर रहा है भाई। चलो छोड़ो भाई। और यहाँ पर जो है सैंड स्टोल है ऊपर की तरफ, जहाँ पर ब्लू सी आग लगी है। अगर हम फ्लिंट एंड स्टील से सैंड स्टोल पर जो है आग लगा देते हैं, तो फिर वहाँ पर जो होती है वो आग जो होती है ब्लू कलर की होती है। और वो रहा वो वाला मोम, ये जो होता है गोल्ड वगैरह में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं गोल्ड की बूट्स पहनो या नहीं पहनो। और ये जो है हमारे वर्ल्ड के लोग भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, उन्हें बस हमें मारने से फ़र्क पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत गोल्ड तो है भाई, बस यहाँ पर मैं लूँ तो ये मारने लग जाए यहाँ के लोग। तो यहाँ पर ये रहा, ये भी लिया भाई। यार वो बहुत ज़्यादा लालच आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोल्ड है। तो यहाँ पर बस एक देख ना ले भाई कोई। ओ देख लिया इसने। ओ ओ भागना पड़ेगा भाई, भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा भाई। भागो भागो भागो। अरे टूट भाई, टूट 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 टूट। अरे अच्छा ये पिक गया भाई, इसकी ऐसी की तैसी भाई। अब यार अपना सारा मटेरियल चल जाएगा अगर मैं ऐसे ही चलता रहा, फिर अपने कोट की बूट्स भी चल जाएंगे यार। फिर ये मार कौन सा। अबे भाई इसको क्या हो रहा भाई, पता नहीं अभी कहाँ मार जा रहा भाई। यार इतने टाइम बाद आया हूँ भाई यहाँ पर मैं, जब भी मार जा रहा है पता नहीं भाई इनको होता क्या है इतना। यहाँ पर फिलहाल ये घास भी भाई तो जीना आराम कर दिया इस घास ने भी। और यहाँ पर मैं नेदर पोर्टल गया कहाँ खैर। ओ नहीं भाई नहीं यार नहीं 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 खाना खाओ। ओ भाई नहीं 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 अरे यार आग लग गई भाई, देखो यार मैं पूरे बदन पर भाई। अरे यार इतना गंदा वाला मर गया भाई, मैं इतना गुस्सा आ रहा भाई मेरे को अपने आप पर, बेकार में मर गया भाई। मैंने कुछ किया भी नहीं था, उन्होंने जब भी मार दिया मेरे को भाई। यहाँ पर मैं अभी कुछ करूँगा नहीं, वापस तो जाऊँगा ही अपना सामान लेने, ऐसा तो है, वरना वहाँ पर सार का सामान डिस्पॉन हो जाएगा अपना। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं बहुत से ब्लॉक्स लेकर चल जाता हूँ अपने साथ, क्योंकि मैं ऊँचा जाऊँगा थोड़ा बहुत ऊँचा होऊँगा तो वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर डर्ट तो पड़ा हुआ, लेकिन ये अलग सा है थोड़ा, ऐसे रहने दो। और यार ये नेदर क्वार्ट्ज में यहाँ पर लेकर आया था ऐसे, चलो यहाँ पर ले लेता हूँ। और यहाँ पर भाई यार इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बेकार में यार उन्होंने मेरे को मार दिया, कुछ किया भी नहीं था मानो उन्होंने, बस यहाँ पर अपने गोल्ड वगैरह चोरी कर दिया यार मानो उनके सामने, यही प्रॉब्लम हो गई यार बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिलहाल यहाँ पर जो है बारिश वगैरह भी हो रही है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मुझे बच के रहना होगा। और यार मैं मेरे को ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए था यार, मैंने उनका गोल्ड चोरी किया इसलिए हो गया ये सब। तो फिलहाल यार वो सब मारना रुक जाओ मेरे को यार, वापस डर सा लग रहा है मेरे को यार, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मेरे पास ऐसा है क्या भाई जो यहाँ पर खोज सकूँ मैं। हाँ मेरे पास अब ऐसा कुछ है जो मैं खोऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर भाई अब ये सब लोग मेरे को मार लग जाएंगे वापस, मैं जानता हूँ, पर कोई बात नहीं भाई अपने आप क्या होगा भाई अब यहाँ पर। ओ भाई सारा सामान मिल गया, सारा सामान मिल गया भाई, जितना सामान मिला भाई इतना काफ़ी है भाई। अब फटाफट से अपने वाले नेदर पोर्टल में जाना पड़ेगा भाई, यहाँ सारा अपना जितना भी भाई सामान मिला भाई इतना भी काफ़ी है मेरे लिए, जितना मिल गया भाई इतना भी मैंने उम्मीद नहीं की थी सामान मिल जाएगा। लेकिन यार यहाँ पर मैं बहुत सारा सामान जो है ये भाई
सर्च मान तो भाई है ऐसे ही। चलो कोई बात नहीं भाई, अब यार मेरे को बस अपने नेट पोर्टल भूल जाता हूँ यार। एक तो माँ यार को एक तो अपने लिए यार कुछ नोट्स तो करना ही पड़ेगा। अरे यार फिर उसने मार दिया मेरे को। चलो कोई बात नहीं भाई, अगली बार हम अच्छे से तैयारी करके जाएंगे और अपने सारे रूल सीख के जाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर अपने वर्ल्ड में मैं कुछ करूँगा भाई करूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे पास अभी भी काफ़ी सारा सामान बचा हुआ है जो कि मेरे काम का है। तो फिलहाल यहाँ मेरे को फिर से अब जाना पड़ेगा। मैं पूरा पूरा आर्मर जो था यार बेकार में चला गया। तो चलो कोई बात नहीं भाई, ये सब तो होता ही रहता है। नैदर पोर्टल है भाई ये, नैदर पोर्टल जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हमें यार उनके सामने उनका गोल्ड नहीं चोरी करना चाहिए था। अगर नहीं करता भाई तो फिर सब सही रहता यार। नैदर कोर्स भी मिल गया था वहाँ पर मेरे को, जो कि ऑब्जर्वर्स वगैरह बनाने में काम आते हैं। ऑब्जर्वर जो होते हैं मेरे ख्याल से ज़्यादा से रुकने में काम आता है, जो कि अल्ट्रा जाइंट शुगर फार्म वगैरह होता है। शुगर फार्म जो होता है वो ऐसे ही बन जाते हैं, जैसे कि मान सकते हो आप अपने आप उसमें शुगर कट के आ जाएगा अपने पास। शुगर भी नहीं कहते वैसे उसे कहते शुगर केन। तो चलो यहाँ पर यार इतना ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे को, इतना ज़्यादा दुख अपनी ज़िंदगी में नहीं हुआ यार। पर एक बार जरूर जाऊँगा भाई मैं। भाई अब तो मैं ठान लिया पूरी, एक बार तो जाना ही जाना है भाई। अपने पास कुछ सामान ही नहीं बचा भाई खून होगा यार, अपना क्या करेंगे यहाँ पर जी कर भी। तो वहाँ पर भी अगर मर जाऊँगा तो क्या फ़ायदा भाई, अपने पास कुछ सामान तो है ही नहीं भाई खोने के लिए। अब तो यहाँ पर भाई जाना ही पड़ेगा, अब तो नेट तक पोर्टल में चाहे जो भी हो जाए। बस उनको अपने वाले भाई देखने पड़ेंगे यहाँ पर। पर भाई अगर इस वीडियो में नहीं लेकिन बाद में भी मैं जाऊँगा तो भाई एक बार अपना सामान लेने। भाई ये अपने लिए रास्ता बनाओ पहले तो यहाँ पर, ये रहा। ये क्या है वैसे, ये कुछ अलग सा मटेरियल है भाई। और यहाँ पर देखता हूँ और क्या क्या है। और यहाँ पर कोई मॉब वगैरह तो चलो देखा नहीं किसी मॉब वगैरह ने भी मेरे को यहाँ पर कुछ भी तोड़ फोड़ करते हुए। यहाँ पर जितना भी ये सारा सामान मिल रहा है उससे मैं कलेक्ट करके लेके जा रहा हूँ बस। और नीचे कोई घर वगैरह लग रहा है मेरे को, नहीं मेरे को लग रहा है ये किसी पेड़ पर हूँ मैं। हाँ पेड़ पर ही हूँ मैं, पर पेड़ पर ऐसे कोई टॉर्चेस थोड़ी ना लगाते भाई। ये कोई टॉर्च वाला पेड़ थोड़ी ना होते कभी। मैं तो भाई जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ नहीं टॉर्च वाला पेड़। चलो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर बस मेरे को जितना मटेरियल मिल रहा है इतना ही ले लो, यहाँ पर इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और यहाँ पर बस मेरे को वुड वगैरह तो कलेक्ट नहीं करनी, वो तो अपने वर्ल्ड में भी मिल जाती बड़ी आसानी से। और यहाँ पर भी यार मेरे को मेन तो यार बस एक चीज़ का था जो कि था नैदर क्वार्ट्ज, जो कि यार मेरी चली गई। और गोल्ड भी चला गया यार मेरा सारा का सारा, जो कि मेरे को इतनी मेहनत से मिला था माइनिंग करते हुए। चलो भाई गोल्ड का तो नहीं यार, लेकिन फिर भी नैदर क्वार्ट्ज का पता नहीं यार मेरे को इतना ज़्यादा अफसोस क्यों है, जबकि उसमें कुछ था भी नहीं इतना ज़्यादा। पर फिर भी फिलहाल उसकी तो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा कमी है नैदर क्वार्ट्ज की, तो थोड़ा सा मिला था वो भी चला गया। फिलहाल सबसे ज़्यादा गलती तो भाई मेरी है इसमें। चलो कोई बात नहीं भाई, अपना सारा सामान भाई इस वीडियो में नहीं तो अगली बार तो जरूर लेके आऊँगा। फिलहाल ये जो शाइनिंग वाला मटेरियल है भाई जिसका नाम है स्ट्रूम लाइट, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, इसे मैं अपने घर में लगाऊंगा ताकि लाइट हो जाए इससे। तो इसलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं बाहर आ गया हूँ अब अपने घर में। यहाँ पर अभी भी बारिश ही चल रही है लगातार। अब भाई मैं वापस नहीं जाऊँगा वहाँ पर, अभी रहने देता हूँ। अब यार अपना एक गेट खोलो, बंद करो भाई, और अपने घर में जाता हूँ और इसे स्टोव कराता हूँ। क्या पता भाई यहाँ इस वाले वर्ल्ड में मर जाऊँ, सारा सारा सामान जो है डिस्पॉन हो जाए। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में सारा का सारा सामान जो है मेरा डिस्पॉन हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा, उसे कलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी एक डेढ़ घंटे बाद ही होते हैं डिस्पॉन, तो इसमें लगा कर देखता हूँ यहाँ पर। वैसे तो बहुत ज़्यादा लाइट हो रही है, अच्छा लग रहा है मेरे को। तो यहाँ आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और देखो भाई इससे ज़्यादा ही लाइट हो रही है, रात में चलो मेरे को चाहिए नहीं भाई वैसे। लेकिन मेरे को ये नहीं पता भाई इससे मॉब्स स्पॉन होने रुकेंगे भी या नहीं, कि मैं सुना है जहाँ पर लाइट होती है वहाँ पर मॉब्स कम स्पॉन होते हैं। पर यहाँ पर अगर मैं ये लगा दूंगा तो क्या मॉब्स स्पॉन होने बंद हो जाएंगे, मेरे को ये कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे को पता नहीं, वैसे मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में सोच कर भी आऊँगा। तो चलो जितना सामान मिल रहा है मेरे को इसे मैं स्टोर तो करा देता हूँ अपने यहाँ पर। और ये स्टिक्स को इसमें मिला देता हूँ, और ये सनफ्लावर लोग इसे काम का नहीं है भाई, फेंको इसे थोड़ी देर में शोर डिस्पॉन हो जाएगा अपना। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।